मीटर सेस 2 है जिसमें आरपीएम 3500 चला गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है अपनी एक्सयूवी 700 डीजल है, X5 वेरिएंट है, मैनुअल है। तो डीपीएफ का इशू एंड रीजन का साइन बार बार आ रहा है, ये फोर्थ टाइम आया है, तो मैं सोचा इस बार सर्विस सेंटर ले जाता हूँ, बिकॉज 3 बार आया है हमने मैनुअली, 3 बार रीजनरेशन यूज़ करके इसको सॉल्व किया है, बट ये 200 किलोमीटर के बाद फिर से आ जा रहा है, सूट पार्टिकल्स मतलब जमा हो जा रहे हैं, उसी कारण ये बार बार डीपीएफ का साइन आ रहा है एंड रीजनरेशन करने बोल रहा है। रीजन में होता है क्या कि आपकी कार 15 मिनट तक चालू रहेगी, हीट करेगी, बिकॉज आरपीएम आपकी खड़ी कार में 3000 आरपीएम तक चलेगा, आपका आरपीएम 15 मिनट तक, सोच रहे हो डीजल इंजन आपका 3000 आरपीएम में रेव होगा, एंड नॉर्मली हमें रेव नहीं करना चाहिए खड़ी कार को। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम बार बार आ रही है 200 किलोमीटर में, 2200 किलोमीटर के बाद से, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, बार बार सूट पार्टिकल्स जमा हो जा रहे हैं, ये उसको पूरा बर्न नहीं कर पा रहा है जो उसका डीपीएफ है। तो चलते हैं सर्विस सेंटर लेके, तभी कुछ हो पाएगा, आज देखते हैं वो लोग क्या बताते हैं, बिकॉज रीजन के जो वेज होते हैं वो क्या क्या, 3 वेज होते हैं, एक आप सिस्टम से करा सकते हैं, एंड एक आप चलती कार में कर सकते हैं रीजन एक्टिवेट, एंड एक खड़ी कार में, जो हम करके मैं आपको दिखाया फर्स्ट टाइम जब आया था। अभी ये फोर्थ टाइम ये इशू आ गया, तो इस बार सर्विस सेंटर ले जा रहा हूँ मैं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। चलिए रुको रुको, चल रहा हूँ भाई डॉक्टर के पास लेके। अरे यार ये प्रॉब्लम यार, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर डीपीएफ, क्या मतलब यार, मतलब आप इस चीज के लिए परेशान रहो, ये सब नहीं होना चाहिए ना, क्या मतलब यार, जब आप परेशान रहे इतना पैसा खर्चा करने के बाद डीएफ भी डलता है इसमें, तो ये प्रॉब्लम चलिए एक बार आई, चलिए समझ में आता है, हमने खुद से फिक्स कर दी रीजनरेशन मोड करके, रीजन जो लिखा है, बट हर बार आ रही है भाई, तीसरी बार आ रही है, तीसरी चौथी बार आ गई है, मतलब 800 किलोमीटर में 4 बार, 200 के इंटरवल पे, भाई क्या मतलब, आपको सर्विस सेंटर भागना पड़ रहा है फिर, तो ये रीजन करने का मतलब क्या, एकदम चूतियापा है भाई, टाइम वेस्ट है पूरा और कुछ नहीं। यार शोरूम पहुंचते पहुंचते ये ठीक हो गया, देखना अब नहीं आ रहा है, एक बार अंदर लेके चलते हैं इसको, वो लोग बोल रहे हैं लाने, वो लोग सिस्टम से करेंगे रीजनरेशन एक बार, हम तो अभी तक कार खड़ी करके कर सकते हैं, कार चला के कर सकते हैं, एंड एक सिस्टम से कर सकते हैं, वो लोग बोल रहे हैं अगर सिस्टम के बाद करने के बाद भी रीजनरेशन करने के बाद सिस्टम से ये प्रॉब्लम आई तो फिर छोड़ना पड़ेगा बोल रहे हैं। आप इस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं लोग रीजनरेशन, वो देखो डीएफ फुल है, आरपीएम भी देखो कितना हाई हो गया है, 3000, स्टेज 2 है जिसमें आरपीएम 3500 चला गया, हीटअप स्टेज 1 में 2500 करीब रहता है। ये लोग स्टेटस देखे तो स्टेटस सही था, उतना खराब नहीं था, बट 200 किलोमीटर में कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो फिर एक बार इससे भी कराक देख लेते हैं, इसके बाद आया तो फिर कार छोड़ना ही पड़ेगा बोल रहे हैं। सो गाइस ये लोग लैपटॉप के थ्रू कर दिए हैं रीजनरेशन, अब चलते हैं शोरूम से, एंड नेक्स्ट टू आज क्या 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी को इनका भी जो लोग हैं काम करने वाले वहाँ वर्कशॉप में वो भी कम है, तो आज मैं अगर कार छोड़ता भी हूँ तो मिनिमम ये लोग बोलें 2 दिन रखेंगे, तो आज छोड़ूंगा तो आज कोई मतलब नहीं है, कल परसों फिर रखेंगे ये लोग, तो इससे अच्छा बोले कि एक बार सिस्टम से किए, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही होगा यार, सब कुछ सेम ही था प्रोसेस, लेकिन मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो को देखिए, इसमें सूट वैल्यू कितनी दिख रही है अभी, 0.02 ग्राम, मतलब एकदम कम हो गई, बट ये बार बार जमा क्यों हो रही है, फिल्टर का प्रॉब्लम ये क्या है, तो वो नेक्स्ट 200 और 300 किलोमीटर में चेक करेंगे, अगर फिर से रीजन का साइन आता है तो हम लाके वर्कशॉप में खड़े कर देंगे, एंड थोड़ा इनको टाइम दे देंगे, तो वो लोग फिर डीपली चेक करेंगे इसको एंड फिक्स करेंगे। तो अभी चलते हैं गाइस, ये गेट पास है, गेट पास देते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक चलती कार में हम रीजन कर सकते हैं, खड़ी कार में मैंने बताई दिया है, एंड क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत जमा होता है तो चलते चलते अपने आप हट जाती है साइन, अगर नहीं हटती है ना, तो फिर प्रॉब्लम है,
रीजन करने के बाद भी अगर नहीं हट रहा है वो डीपीएफ का साइन, तो फिर प्रॉब्लम है। तो वैसी सिचुएशन में हमें चुपचाप कार खड़ी कर देनी है या फिर सर्विस सेंटर ला के चुपचाप खड़ी कर दो, उसमें चलाना नहीं है। तो चलते हैं एंड देखते हैं कितने दिन बाद प्रॉब्लम आती है। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड उसका प्लीज प्रेस दी बेल आइकन। सो गाइस आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को एंड उसके बाद प्लीज प्रेस दी बेल आइकन।